नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों को मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार किस हिसाब से खुलता हुआ नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मनी तेजी बनती हुई नजर आ रही है और उस पर रूपा जी की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो कम्युनिटी बाजार के अपडेट से शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं हम यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसे कि आज देख रहे हैं कि हम सोना $1754 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और चांदी $22 पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर। हम देख रहे हैं कि सोने चांदी की कीमतों में आज एक कल के मुकाबले हल्की सी बढ़त है, लेकिन अभी भी जो लेवल्स हैं निचले स्तर हैं, लेकिन कल के मुकाबले अगर कंपेयर किया जाए सोने चांदी की कीमतों को तो कह सकते हैं कि हल्की फुल्की बढ़त बनती हुई नजर आई है। दरअसल डॉलर में कुछ हल्की सी नरमी देखने को मिली है जिसकी वजह से सोने चांदी में हल्की सी बहुत ही मामूली सी हल्की फुल्की बढ़त बनती नजर आई है। तो आज सोने चांदी कच्चा तेल और बेस मेटल्स में क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एनालिसिस पर। जी शुक्रिया। रूपा जी देख रहे हैं कि सोना चांदी आज भी कुछ नरमी के साथ ही कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कल के मुकाबले लेवल्स में हल्का सा सुधार हुआ है, आपको क्या लगता है क्या अगले हफ्ते भी यही रुझान जारी रहेगा सोने चांदी में जैसा इस हफ्ते देखने को मिला? देखिए वापस से सोने की अगर हम बात करें तो सोने के अंदर जो गिरावट थी वो आज थोड़ी बहुत थमती हुई जरूर दिखाई दी है। वहीं चांदी के अंदर भी थोड़ा सा बाउंस बैक आते हुए दिखाई दिया है। लगातार मैंने यही बोला है कि हर निचले स्तर पर सोने और चांदी के अंदर बाइंग ही करना चाहिए। आगे आने वाले दिनों में तेजी का ही रुझान है और आगे एक पॉजिटिव मोमेंटम हम फेस्टिवल सीजन के चलते देख सकते हैं। आगे डिमांड जो है वो पिकअप होती हुई दिखाई दे सकती है और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी बाजार सुधरे हैं। जो $1730 के आसपास कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे थे वो वापस से 1754 के आसपास पहुंच चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर अभी बाइंग में रहना चाहिए और आज इंट्राडे में भी बाइंग करके चला जा सकता है। जी ये सर रूपा जी, बात करें अगर कच्चे तेल की तो कच्चे तेल में देखने की WTI 75 पर और ब्रेंट क्रूड ऑयल $78 पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। जो हमने क्रूड इन्वेंट्रीज में अमेरिका के अंदर कमी आती हुई देखी थी, अब एकदम से अचानक से उछाल देखने को मिल रहा है और ऊपर से डॉलर भी तेज की हो रहा है, आपको क्या लगता है क्या ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में अभी और बढ़ोतरी देखने को मिल पाएगी, जैसे कि हाल फिलहाल में ओपेक की भी बैठक एक बार फिर से शुरू होने वाली है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से स्टॉक में उठापटक देखने को मिल रही है, कभी इन्वेंट्री प्लस हो रही है तो कभी माइनस हो रही है, उसका इंपैक्ट जो है वो भारतीय बाजारों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज भी भारतीय बाजार जो है, जहां विदेशी बाजारों में गिरावट है तो भारतीय बाजारों में हल्की तेजी देखने को मिल रही है। तो फिलहाल यहां से कच्चा तेल पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई दे रहा है और एक बार 5600 तक ऊपर जा सकता है आज इंट्राडे में। तो अक्टूबर वायदा आज इंट्राडे में 5600 के लिए बाय किया जा सकता है। जी ये सर रूपा जी, बात करें अगर बेस मेटल्स की तो देख रहे हैं कि बेस मेटल्स का जो बाजार है काफी ज्यादा लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से जो चाइना की कंपनी है एवरग्रैंड है वो अपना जो कर्ज है जो डेब्ट है उसको चुकाने में विफल हो गई है, इसकी पुष्टि हो चुकी है, और दूसरा 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक जो चाइना है वो नेशनल हॉलीडे पे रहेगी, तो इसका असर कम्युनिटी मार्केट पर और स्पेशली बेस मेटल्स पर कितना पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए इसी का ही इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है और कॉपर जो लगातार 700 के ऊपर सस्टेन कर रहा था वहां से फिसल चुका है और कॉपर में गिरावट देखने को मिली है। निकल देखिए आप, निकल भी लुढ़क गया है। दरअसल इसी खबरों के चलते इनमें गिरावट बढ़ी है और अब 680 तक कॉपर लुढ़क सकता है फिलहाल और निकल भी 1360 तक जा सकता है। इंट्राडे में गिरावट गहराती हुई दिखाई दे सकती है सबके चलते, तो फिलहाल के लिए इंट्राडे स्ट्रेटेजी में गिरावट है, लेकिन देखिए उन लेवल्स के ऊपर वापस से बाउंस बैक आने की संभावनाएं भी है। तो फिलहाल के लिए आज शॉर्ट स्ट्रेटजी में बिकवाली की तरफ रहा जा सकता है। जी रूपा जी, जाना चाहेंगे आपसे वो नॉन एग्री कम्युनिटीज जिनके अंदर आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है। देखिए आज इंट्राडे में मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर बाइंग की जा सकती है 5600 से लेकर 5620 के टारगेट के लिए क्रूड के अंदर बाय करके चला जा सकता है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहां पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की, फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं बस इतना ही, नमस्कार।